इसको रोटी दे दी, रट दिया है घर। आ जा, आ जा, आया है यहाँ पे, पोटी भी करके जाता है बरामदे में और खाने के लिए भी आ जाता है रोटी सुबह सुबह। अकेले आया तू आज? जूली कहाँ है? जूली है, पोटी मत करना, यहाँ पे पिटाई होगी फिर। गुड मॉर्निंग, चाय भी आ चुकी है। गुड मॉर्निंग, ये पिएगी चाय। मिशन नौनन जी की बात बर्बाद करना है भी, पता करो बर्बाद मिल है? रोज करना है के सबूत है दीपा, रोज खूब रखा दिन रहा। सुप्रभात दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे से हैं। तो अभी सुबह के बज चुके हैं 9:30 और रोज की तरह आज का मौसम भी बढ़िया मौसम है, बढ़िया धूप आ चुकी है और नाश्ता हो रहा है रेडी रोज की तरह। तो करते हैं फिर दिन की शुरुआत आपकी दुआओं के साथ, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ। हो जाइए शुरू। कड़ी बनाई है आज जो ही अभी सुई है। तो ब्लॉग देख रहे हैं हम लोग अभी और यहाँ बन रहे हैं पराठे, कल की तरह 2-3 पराठे बनाएगी है। खाना कैसा हो बेटा? अच्छा ठीक है, खा चल दे दिया मैं पता और मैं खड़ा हुआ हूँ तो ये भी खड़ी होगी। अभी मैं नीचे जाने के लिए रेडी हो रहा हूँ ना, ये नीचे जाने के लिए खड़ा था, पानी के लिए वेट कर रहा था, ये भी खड़ी हो चुकी है। बैठ जा। आज सब्जी जो है लाई और मेथी की सब्जी है, ये है फ्राई मिर्च और एक पराठा भी होगा इसमें, एक पराठा है और रोटियां हैं, पानी है। तो खा लेते हैं नाश्ता। स्कूल क्यों नहीं गई तू आज? छुट्टी हो गया, संडे है बोला, संडे है बोला। तो इन बक्सों को जो है ना नीचे वाले रूम में एडजस्ट कर देते हैं, यहाँ पे ज्यादा बक्से हो गए ना, हर मना ना छुट्टी में। वैसे 2 बक्से और है यहाँ नीचे गोठ में रख देते हैं, गाय के रूम में मतलब। अरे बक्से यहाँ मत आना है तान से, हाँ सीधे बाहर, गेट से बाहर। तो अब जो है दोस्तों फाइनली दूसरा बक्सा भी हम ला चुके हैं। बेटा गोलू को परेशान मत कर, गोलू को परेशान मत कर बेटा, उसको बुखार आया ना, बुखार आया उसको बेटा, बुखार आया बेटा उसको, उठो उठ जा। देख लिया, चले फिर। अब कुछ पहन के नहीं लाई इसलिए इसको घुमाते नहीं, चल para
तो थोड़े बहुत ये गेहूँ है इन्हें सुखाने डाल देते हैं। अच्छी बढ़िया धूप आई है ना अभी, ये कम कम इसलिए सुखाते हैं ना हम लोग, क्योंकि चक्की जो है ना गेहूँ पीसने वाली चक्की, आटे वाली चक्की, उसमें एक बार में इतने ही गेहूँ आते हैं, इसलिए इतने ही हम सुखाते हैं। जितने मतलब जितने गेहूँ हमें पीसने होते हैं ना उतने ही गेहूँ हम लोग सुखाते हैं। तो दोस्तों अभी टाइम जो है 2 बजने वाले हैं, तो दिन का खाना रेडी हो चुका है, तैयार हो चुका है, खाते हैं। जय जय राम। तो आज भी ऐसे बनाए टपकी जैसा, टपकी जैसा क्या कर रही तू है? तो यहाँ पे कर लेते हैं लंच। यहाँ पे आपको बताया पालक की सब्जी है, चावल है, फ्राई मिर्च है और साथ में है दही। अगर हम पालक की सब्जी को हटा दें तो इसको हम बोल सकते हैं फिर कर्ड राइस। बाहर को वैसे बहुत मतलब ज्यादातर लोग ना कर्ड राइस खाना पसंद करते हैं और इससे जो है पेट की सफाई भी हो जाती है एकदम, मतलब ना बिना मसालों के बिना तेल के खाना होता है ना दही और चावल, तो इससे कब्ज, एसिडिटी, गैस ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। हफ्ते में एक दिन बिना नमक, बिना तेल, बिना मसालों के भी खाना खाना चाहिए वैसे। कभी अभी वैसे इस टाइप की चीजें ट्राई करनी चाहिए। अभी तो वैसे पालक की सब्जी है लेकिन सचमुच में ना दही और पालक का एक बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन होता है। दही पालक के साथ हम रोटी भी खाते हैं तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, और चावल भी खाते हैं तो और भी ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। मतलब ये कॉम्बिनेशन होता है दही पालक का या दही और हरी सब्जी का। मतलब जूली आ गया तू? अब वेट करना पड़ेगा थोड़ी देर, हाँ 5 मिनट अंदर चल, गिरेगी बिना पैजामे के, चल बस 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 हो गया हो गया। जूली ने 2 मिनट वेट नहीं किया, चले गया वो। अब मैं यहीं रख देता हूँ, बाद में आएगा तो फिर दे दूंगा, इधर रख देता हूँ। तो आज जो है जैसे कि आप देख सकते हैं पहले हमने बक्से शिफ्ट किए, तो अब जो है ये चारपाई थी किचन में, इसको शिफ्ट कर रहे हैं नीचे वाले रूम में। अब जो है मम्मी आप देख सकते हैं लिपाई पुताई कर रही है अंदर, ये देखिए, तो लिपाई पुताई चल रही है। तो चलते हैं फिर। वैसे काफी वेटेड ये है, वैसे हम 2 लोग ले आते इसको, लेकिन रास्ता आपको पता है थोड़ा अनकंफर्टेबल है, रास्ता जगह नहीं है ना इसलिए। तो गेहूं सूख चुके हैं, अब मैं इनको उठा देती हूँ और चक्की में डाल के पीस भी देती हूँ। तो गेहूं मैं डाल चुकी हूँ, अब गेहूं निकलेगा नीचे से, यहां से पीस के आएगा ये पीसने वाली मशीन, और इसमें आएगा आटा। यहाँ पे हम एक बाल्टी लगाएंगे, उसमें आएगा आटा। कर देती हूँ इसको ऑन, इसको इन गेहूं को पीसने में लग जाएगा करीब 10 मिनट लग जाएगी। ना अल्लाह रुक जा, ओ गिरेगी वहां से, रुक मुझे, मैं ले लेता हूँ, ला ला बस। सिट डाउन, पहले बैठ बैठे हैं। ले खा, खाओ इसको बैठ के, शाबाश। कुछ इसने इधर फेंक दिए हैं, चल छा दी दिया। पोरा फिर कौन है? तो मैं चलती हूँ घास काटने की। बाजा
चार भाई हम लोग हटा चुके हैं तो कुछ ऐसा लग रहा है, ये देखिए ये। तो दोस्तों अभी टाइम जो है 4:30 हो चुके हैं, तो मैं जा रहा हूँ धारे में, लेके आते हैं पानी फ्रेश फ्रेश। तो फाइनली ला चुका हूँ पानी, चलते हैं अंदर। तो मैं आ चुकी हूँ घास लेके। कैसे चलती है अम्मा? कैसे चलती है अम्मा? कैसे चलती है अम्मा? बाबू, अरे ऊपर आ गई अम्मा, चलो ऊपर आ गई अम्मा, ऐसे चलती है। तो रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। तो दोस्तों अभी रात के बजने वाले हैं 8, आज के ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। तो खाना हो चुका है लगभग रेडी, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, साथ में बेल आइकन की घंटी भी दबाइए, क्योंकि इससे ही आने वाली नई वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। बाय 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 बाय। और ये खाना बना रही है अभी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, साथ में बेल आइकन की घंटी भी दबाइए, क्योंकि इससे ही आने वाली नई वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टाटा, गुड नाइट। मेथी पालक की सब्जी है, रोटी है, दूध है, और ये दिन के चावल बचे हुए ना पालक की सब्जी में, इसको पालक की सब्जी मिक्स कर रखी है ये चावल, तो खा लेते हैं फिर।